चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी ने खूब कहा है, शराब के नशे में शराबी कुछ भी कर सकता है, जो आज लांजी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बता ही दिया कि जिस युवक को मौत के घाट उतारा था, उसी युवक के साथ जाम झलकाने वाले शराबियों ने उसी शराब की बोतल से हमेशा हमेशा के लिए लेटा दिया। घटना लांजी थाना अंतर्गत ग्राम टेमनी व कोचिवाई के बीच हनुमान मंदिर के पास गत दिवस 17 जून की सुबह पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान राम प्रसाद पारदी ग्राम मोगांव खुर्द निवासी पाया गया, जो एग्रो एजेंट था। पुलिस ने मामले का 25 जून को खुलासा करते हुए आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस भी वजह जानकर चौंक गए। पुलिस ने विवेचना में आरोपी लोकेश कुमार, पिता अशोक भांडेकर उम्र 23 वर्ष निवासी चौंदी टोला टेमनी गजानन, पिता रामेश्वर कार उम्र 34 वर्ष निवासी आवास टोला टेमनी से पूछताछ की तो पता चला कि 16 जून को लोकेश अपने मामा गजानन के साथ दोपहर में एक अनजान व्यक्ति राम प्रसाद मिल गया, जहां परिचय के बाद ट्रैक्टर को लेकर बातचीत हुई। ये तीनों शराब पीने के लिए हनुमान मंदिर पहुँच गए, जहाँ जाम झलकाने लगे। वही फिर बातों ही बातों में गाली गलौज पर उतर आए। फिर राम प्रसाद को मामा भांजे मारपीट करने लगे। वही जिस शराब को पिए थे उसी शराब की खाली बोतल से राम प्रसाद पारदी के सिर पर मार दिया, जिससे खून निकलते ही वह जमीन में गिर पड़ा। तभी मामा भांजे ने सोचा कि राम प्रसाद पारदी की मृत्यु हो गई है, साक्ष्य छुपाने के लिए बोतल चेहरे पर मार मार कर चेहरा बिगाड़ दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मर्ग विवेचना के उपरांत दोनों आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। लांजी से पवन कश्यप। सर, जैसा कि विगत दिनों रामप्रसाद पारदी की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, क्या पूरा मामला था और किन कारणों से हत्या की गई थी? सर, जैसा कि ज्ञात है हम लोगों को, 17 जून को सुबह लगभग 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोचेबाई में हनुमान मंदिर के पास के पीछे जंग से सटे जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर चोट है और वहां साथ में एक प्लेटिना गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी टीम है, FSL टीम और साइबर टीम, इनके द्वारा वहां पर जब हम लोगों ने प्राथमिक साक्ष्य एकत्रित किए तो उसमें हमें 2 संदेही जो है ज्ञात हुए विवेचना में। इन संदेह से जब हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया और बताया कि 16 तारीख को ये दोनों व्यक्ति किसी काम से भानेगांव आए हुए थे और जब ये लौट रहे थे टेमनी गांव की ओर, तो जो मोहारा टेमनी जो सड़क मार्ग है उस ओर कहीं रुके हुए थे दोनों व्यक्ति, तब वहाँ जो है मृतक राम प्रसाद पारदी इन्हें मिला। और चूँकि राम प्रसाद पारदी कृषि उपकरणों से संबंधित जो है एजेंट के रूप में कार्य भी करता था, तो उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि मैं जो है ट्रैक्टर या इनसे जुड़े जो भी उपकरण हैं वो बेचने का काम करता हूँ, और चूंकि जो आरोपी हैं इन्हें ट्रैक्टर के उपकरणों की आवश्यकता भी थी, तब इन्होंने बातचीत में आपस में नंबर भी शेयर किए। फिर उन्होंने ये तय किया कि चलिए हम लोग जो है गांव टेवनी जाके या आसपास में कहीं पर भी जाके शराब पियेंगे। तो ये तीनों लोग आए वहाँ पर जो कोचेबाई जो हनुमान मंदिर के पीछे बैठे लोग, बैठने के दौरान जब इन लोग आपसे बातचीत करते रहे तब मृतक के द्वारा जो बताया आरोपियों ने कि इन्हें गाली गलौज कर दी गई थी, जिसके बाद आवेश में आके इन लोगों ने भी उसको धक्का मुक्की की। और जब ये इन्हें लगा कि ये हो सकता है कि बाद में पुलिस के पास रिपोर्ट करेगा या कहीं भी शिकायत करेगा, तब उन्होंने जो है पास में रखी बियर की बोतल जो थी उसके सिर पे बारंबार उस पर वार किया, जिससे उस व्यक्ति की वहीं पर मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। अब इस व्यक्ति के पास जो था मृतक था, इसके पास कुछ पैसे भी रखे हुए थे लगभग 10,000, और इसके अलावा जो इसका कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो इन्होंने बाकी सामान वहीं आसपास के क्षेत्र में फेंक दिया था, अलग अलग जगह छुपा कर रख दिया था। और जो पैसे थे इन्होंने दोनों ही आरोपियों ने 5,000-5,000 रुपये बांट भी लिए थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी जो है 5,400 रुपये इन दोनों के पास जब्त किए, बाकी का जो राशि थी इन्होंने कोई आरोपी ने मोबाइल खरीदा था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनके नाम सर जो आरोपी है लोग, हाँ इसमें जो है दोनों ही मामा भांजे हैं, उसके भांजे का नाम है लोकेश है और जो इनका मामा है उसका नाम है गजानंद कार, दोनों ही टेमनी निवासी जी। इसके पहले भी इन लोगों की कोई बैठक वैठक होती थी पहले से? अभी जो नहीं, ये पहली बार ही मिले थे उक्त दिनांक को, इसके पहले इन लोगों ने किसी प्रकार का आपस में परिचय भी नहीं था, ना ही कोई दोस्ती थी, बस आपसी मतलब ये सिर्फ शराब और पीने के चक्कर जो झगड़ा हुआ इन्हीं कारणों से। बिल्कुल, और पैसे कोई उद्देश्य भी नहीं था इसके अलावा कि मारने का। इन्होंने
हो सकता है कि इनके पास पैसा देख कर या जो भी अन्य चीजें उस वजह से भी इसकी मृत्यु कारित कर दी, लेकिन अभी जो विवेचना में आया हमारे पास कि ये व्यक्ति जो है गाली गलौज करने पर ही आवेश में आकर जो है इन लोगों ने मतलब सीधे शराब वराब पीने के बाद में मारपीट गाली गलौज इस कारण से हत्या, मतलब शराब पीने ये लोग बैठे थे, शराब इन लोगों ने नहीं पी थी उस समय तक, तो उसी समय ये चीजें जो है आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज दिनांक मान्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।